हाँ जी स्टूडेंट्स, आज दी इस वीडियो विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी प्लस टू क्लास दे लई जनरल इंग्लिश दा नॉन फिनिटिव्स दी वीडियो, जिस दे विच कि तुहानूं मैं दसांगी कि जिहड़े तुहाडे ग्रामर पोर्शन दे विच इनफिनिटिव्स गैरंट एंड पार्टिसिपल्स आने ने, नॉन फिनिटिव्स सब दीआं टाइप्स ने जिहड़ीआं, उस दे विचों उह तुसीं किस तरह सॉल्व कर सकदे हो। सो इस दे विच जिहड़ा तुहानूं पहलां मैं एग्जाम्पल्स दसांगी कि किस तरह तुसीं इस नूं सॉल्व करना, नाल ही जिहड़ा तुहाडा ग्रामर पोर्शन बुक वर्क दे विच्चों आ जिहड़ा तुहाडा बुक वर्क आ उह वी सॉल्व करके दिखावांगी सारा तुहानूं, जो इस जिहड़ा तुहानूं ग्रैमर पोर्शन पेपर दे विच आना सैकेंड टर्म दा एग्जाम जिहड़ा तुहाडा हुण फाइनल होना, उस दे लई जिहड़ा तुहाडा बुक वर्क बुक दे पिछों हुंदा, मोस्टली चांस हुंदा कि उस दे विच्चों ही जिहड़ी तुहाडा ग्रैमर आउंदी आ। सो उस दे लई इह वीडियो ध्यान नाल देखना लास्ट तक फॉर प्लस टू स्टूडेंट्स। नॉन फिनिट्स जिहड़ियां आर ऑफ थ्री टाइप्स ने, इस दियां किहड़ियां किहड़ियां ने, इनफिनिटिव्स कैरंट एंड पार्टिसिपल्स। अगे ये भी जिहड़े इनफिनिटिव्स ने वह सिंपल इनफिनिटिव्स ते वार इनफिनिटिव्स दो तरह के होंदे ने, ते पार्टिसिपल्स ने जिहड़े वह अगे थ्री टाइप्स के होंदे ने। वैसे इन्हां डिटेल्स जाण की कोई जरूरत नहीं, तुहानूं सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इनफिनिटिव फिल करना जिथे तुसी फिलअप दे विच तां तुसी की यूज़ करना, कैरंट करना तां तुसी की यूज़ करोगे, ते पार्टिसिपल्स आ जिथे उत्थे तुसी की यूज़ करना। सो फस्ट है अपने कोल मोस्टली जिहड़ा इनफिनिटिव दे विच आपां की यूज़ करना हुंदा टू जिहड़ा आपां यूज़ करदे आ इनफिनिटिव दे विच। फस्ट टाइप है जिहड़ी नॉन फिनिटिव दी, इनफिनिटिव यूज़ ऑफ टू इनफिनिटिव। जो इनफिनिटिव तुहाडे कोल लिखा हुआ ब्रैकेट दे विच कि इनफिनिटिव है जिहड़ा यूज़ करके फिलअप करो तां तुसी जिहड़ा की यूज़ करना टू, इन ऑल जिहड़ियां फिलअप्स होणगियां उहनां दे विच तुसी टू यूज़ करना जिथे तुहानूं कहा गया कि इनफिनिटिव यूज़ करो। जिदा कि इत्थे एग्जाम्पल आ डैश एरर इज़ ह्यूमन, इत्थे जिवें एरर है जिहड़ा उह तुहानूं ब्रैकेट दे विच दित्ता होएगा फिलअप जदों तुहानूं पुछी गई होवेगी, इस तरह फिलअप दित्ती होएगी तां तुसी की करना टू लगा के एरर नाल लिखना टू एरर इज़ ह्यूमन। सैकेंड एग्जाम्पल टू डैश सजेस्ट इज़ ऑलवेज ईजी, इस तरह जिहड़ा सजेस्ट आ तुहानूं ब्रैकेट दे विच दे के पुछया गया होगा कि डैश इज़ ऑलवेज ईजी। सो जदों तुहानूं पुछया गया कि इनफिनिटिव यूज़ करना तुसी तां तुसी की करोगे टू लगा के जो ब्रैकेट दे विच वर्ड दिता उसनूं नाल लिखना है, उसनूं नहीं छड़ना, उसनूं भी नाल लिखना टू सजेस्ट इज़ ऑलवेज ईजी। नैक्सट एग्जाम्पल डैश फॉरगिव इज़ डविंग टू, इत्थे भी जिहड़ा तुसी नाल की यूज़ कर लिया टू। सैकेंड है अपने कोल गैरंट यूज़ आई एन जी, जिथे तुहानूं ब्रैकेट दे पुछ विच किया कि तुसी गैरंट यूज़ करना तां तुसी उत्थे की करना आई एन जी यूज़ करना, हमेशा गैरंट दे विच जिहड़ा तुसी हमेशा आई एन जी यूज़ करोगे। इनफिनिटिव दे विच आपां जिहड़ा टू यूज़ कीता सी। सैकेंड अपने कोल गैरंट्स, इस दे विच जिहड़ा तुसी आई एन जी यूज़ करना ऑलवेज, लाइक इत्थे आपां नूं क्या ही इंजॉयज़ डैश ब्रैकेट दे विच जिहड़ा आपां नूं स्विम देता, इस वर्ड के नाल है जिहड़ा आपां आई एन जी लगाना, जो ब्रैकेट दे विच वर्ड दिता होएगा उस दे नाल है जिहड़ा तुसीं आई एन जी यूज़ करना, जिथे गैरंट्स क्या होवे कि गैरंट्स फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी गैरंट्स, उत्थे जिहड़ा तुसीं आई एन जी लगाना, लाइक ही इंजॉयज़ डैश स्विम, स्विम ब्रैकेट दे विच दिता इस दे नाल आपां आई एन जी लगा देंगे तो स्विमिंग ही इंजॉयज़ स्विमिंग फिलअप दे विच जिहड़ा अपना फिल हो जाएगा स्विमिंग। सैकेंड इज़ शासी इज़ गुड एट डैश, किस दे विच गुड आ हो, इत्थे ब्रैकेट दे विच आपां नूं जिहड़ा डांस देता डांस दे नाल तुसीं आई एन जी लगा के जिहड़ा फिलअप दे विच फिल कर दोगे, सो अपना आंसर है जिहड़ा होएगा डांसिंग। थर्ड वी प्रेज्ड हिम फॉर डैश अस इन डिस्ट्रेस, हुण इत्थे अपने कोल ब्रैकेट दे विच की दिता हैल्प, सो फिलअप जो आप फिल करनी है तो उत्थे तुसीं की करोगे हैल्प दे नाल है जिहड़ा आई एन जी लगा दोगे तो अपना जिहड़ा बन जाएगा हैल्पिंग। वी प्रेज्ड हिम फॉर हैल्पिंग अस इन डिस्ट्रेस, ब्रैकेट दे विचों हैल्प कढ के उस दे नाल आई एन जी लगा के जिहड़ा आपां ने फिलअप दे विच फिल करना, वी प्रेज्ड हिम फॉर हैल्पिंग अस इन डिस्ट्रेस। नैक्सट इज
डैश चिल्ड्रन लव डैश मड हाउसिज कि चिल्ड्रनस नूं जिहड़े मिट्टी दे घर ने उह बनाउणे वधिया लगदे ने। सो इत्थे की मेक दिता, मेक नूं आपां ing यूज़ करांगे मेक दे नाल। मोस्टली जिहड़े ई ते खत्म हुंदे ने, लाइक इत्थे अपने कोल हैगा सी पहला डांस, सैकेंड है अपने कोल मेक। जदों तुसीं जिथे लास्ट दे विच ई आ रहा उत्थे मोस्टली की आ ing जदों लगाना तां ई कट जाएगा, ई है जिहड़ा अपना कट हो जाएगा। जदों तुसीं ing यूज़ करोगे कदे भी ing लगा के नाल तुसीं ई भी नहीं लिखना कि ई भी नाल पाता ते ing भी लगाता। इत्थे जिहड़ा अपना चेंज हो जाएगा किस तरह, जिद्दां डांसिंग च होया सी ई कट हो गया सी ing नाल लगाता सी अपने, ओह की बन गया डांसिंग। इस तरह इत्थे आ मेकिंग, मेक दे विच जदों अपने कोल पिछे हैगी सी ई लास्ट दे विच, बट जदों आपां ing यूज़ करांगे तां की हो गया ई कट होगी। ing यूज़ किया सो MAKING मेकिंग, मेकिंग दे स्पैलिंग है जिहड़े, मेकिंग च ई कट कर देनी आ। समझ लग गई होगी तुहानूं कि जिहड़े तुहाडे ई वाले वर्ड जिथे लास्ट दे विच ई आ रहे, जिद्दां कि डांस च आई आ, मेक च आई आ, उत्थे तुसीं जदों ing यूज़ करना ता ई नूं आ जिहड़ा हटा देना ते ing यूज़ कर लेना। थर्ड है अपने कोल पार्टीसिपल्स, थर्ड फॉर्म यूज़ ED। इत्थे की आ जिहड़ी तुसीं फिलअप दे विच थर्ड फॉर्म यूज़ करनी आ, हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, जिहड़ा भी वर्ड तुहाडे कोल दित्ता होगा उस दे नाल है जिहड़ा मोस्टली तुसीं ED लगा देना। जित्थे एग्जाम्पल है अपने कोल ही हैज़ अ डैश लुक नाल आपां नूं ब्रैकेट दे विच दित्ता सरप्राइज़, जदों तुहानूं क्या होएगा फिल इन दी ब्लैंक विद द यूज़ पार्टीसिपल्स, पार्टीसिपल जिथे तुसीं यूज़ करके फिलअप करनी आ उत्थे तुसीं लगाना ED। जिदा कि इत्थे लगाया अपन ने सरप्राइज़ दे नाल ED लगाता, सरप्राइज्ड हो गया, ही हैज़ अ सरप्राइज्ड लुक। सैकेंड है माई फादर इज़ अ डैश मैन, रिटायर दिता अपने कोल नाल ED लगाना सो हो जाएगा रिटायर्ड, आंसर की होएगा अपना रिटायर्ड, माई फादर इज़ अ रिटायर्ड मैन। जिथे तुसी पार्टीसिपल यूज़ करना उत्थे तुसी लगाना ED। हुण 3 टाइप्स आपां कीतियां ने, इनफिनिटिव, गैरंट्स ते पार्टीसिपल्स, तीनों दे विच जिहड़ा अलग अलग तुसी यूज़ करने वर्ड। इनफिनिटिव दे विच तुसी यूज़ करना टू, सैकेंड जे तुहानूं कीता कि कहा गया कि फिलअप है जिहड़ी यूज़ करके गैरंट यूज़ करके करनी आ, तां तुसी जिहड़ा ब्रैकेट दे विच वर्ड दित्ता उस दे नाल ing लगा देना। थर्ड जे तुहानूं कहा कि पार्टीसिपल यूज़ करके तुसी फिलअप दा आंसर करना, तां तुसी जिहड़ा ब्रैकेट दे विच वर्ड दित्ता उस दे नाल ED यूज़ करके थर्ड फॉर्म करके फिर उसका आंसर करोगे। फर्स्ट टू लगा के जो ब्रैकेट दे विच वर्ड दित्ता उसनूं भी नाल लिखना, सैकेंड च तुसी ing लगाना जो ब्रैकेट दे विच वर्ड दित्ता उस दे नाल, थर्ड दे विच तुसी जो ब्रैकेट दे विच वर्ड दित्ता उस दे नाल ED यूज़ करना। इस तो इलावा कई बार जिहड़ा तुहानूं क्वेश्चन इस तरह पुट किया जा सकता कि कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस बाय यूजिंग इनफिनिटिव, कि करना यूज़ इनफिनिटिव ही आ कि टू यूज़ करना, बट जिहड़े टू सेंटेंस दिते ने उन्हां नूं जोड़ के लिखना, तुसीं टू सेंटेंस नूं तुसीं जोड़ के जदों लिखोगे टू यूज़ करके तां तुसीं सेंटेंस किस तरह कंबाइन करना। जे तुहानूं कंबाइन वाला क्वेश्चन आता जॉइन कंबाइन कुछ भी लिखा हुंदा कि दो सेंटेंस दिते ने उन्हां नूं जोड़ के लिखना इनफिनिटिव यूज़ करके, तां तुसीं किद्दां करोगे। फस्ट एग्जाम्पल है अपने कोल ही लेबर्स हार्ड ही वॉन्ट टू सक्सीड, लाइन की अपने कोल ही लेबर्स हार्ड ही वॉन्ट टू सक्सीड, कि वह सख्त मजदूरी जिहड़ी करदा किस दे लई, सक्सीड होने लई, सफलता दे लई, क्योंकि वह सख्त सफलता जिहड़ी पाउणा चाहुंदा है। इस नूं जिहड़ा तुसीं इनफिनिटिव दे विच कंबाइन करके किद्दां लिखोगे, ही लेबर्स हार्ड टू सक्सीड, गल उही कही आ, बस जिहड़े सैकेंड लाइन दे जिहड़ा सैकेंड सेंटेंस है अपने उसकी स्टार्टिंग है जिहड़ी उसनों कट करके सैकेंड सेंटेंस में जिहड़ा फस्ट सेंटेंस दे नाल अटैच करता जोड़ता, ही लेबर्स हार्ड टू सक्सीड। वैसे तो ऑलमोस्ट टू यूज़ किया ही हुंदा, तुसीं ओही वाला टू लगा सकते हो, सो सेंटेंस जिहड़ा इनफिनिट भी यूज़ करके करना तुसीं जदों उदों आपां की यूज़ करना हुंदा टू, जिथों टू स्टार्ट हो रहा सेंटेंस का नैक्सट सेंटेंस का उत्थों जिहड़ा तुसीं सैकेंड सेंटेंस चक लेना फस्ट वाले दे नाल अटैच कर देना। ही लेबर्स हार्ड टू सक्सीड,
उस तरह है अपना सेकंड, आई हैव कम हेयर आई वुड लाइक टू सी यू, कि मैं इतने आया क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता सी। सो आई हैव कम हेयर फर्स्ट सेंटेंस आप पूरा लिख लिया कि मैं इतने आया टू सी यू। हुण टू तो जिहड़ा अपना सेंटेंस नैक्सट स्टार्ट हो रहा सी उत्थों अपन ने जिहड़ा दोबारा चक के फर्स्ट नाल ही अटैच करता, आई हैव कम हेयर टू सी यू तुहानू देखण दे लई। थर्ड इज़ आई हैड नो मनी आई कुड बाय नो क्लोथ्स, कि मेरे को पैसे नहीं है तो मैं कपड़े नहीं खरीद सकता। फस्ट है जी तुहानू सेंटेंस की सेंस समझ आनी चाहिए कि उसकी पंजाबी क्या वह कहना की जा रहा है, तुहानू थोड़ा बहुत भी सेंस क्लीयर हो रही है कि वह की गल कर रहे हैं सेंटेंस के विच, तां भी है जिहड़ा तुसी दो सेंटेंसां नू पंजाबी दे विच जोड़ के देखो कि जे असी इस दो सेंटेंसां नू इकट्ठे बोलांगे तां किस तरह बोलांगे, फिर जिहड़ा तुहानू क्लीयर हो सकदा थोड़ा कि कित्थे जिहड़ा तुसी टू यूज़ करोगे ते किस सेंटेंस नू पहला रखना किस नू बाद च रखना। यह है अपने कोल आई हैड नो मनी, कि मेरे कोल पैसे नहीं हैगे, आई हैड नो मनी कादे लई नहीं हैगे टू बाय क्लोथ्स कपड़े लैण दे लई, आई हैड नो मनी टू बाय क्लोथ्स जिते टू नहीं यूज़ किया उत्थे तुसी जिहड़ा टू आप यूज़ करना बिकॉज ये इनफिनिटिव टेंस जिहड़ा हैगा सेंटेंस यूज़ करना तुसी। सो आई हैड नो मनी टू बाय क्लोथ्स, मेरे कोल पैसे नहीं हैगे कपड़े लैण दे लई। हुण है जिहड़ा तुहाडा वर्कबुक है सॉरी बुकवर्क है जिहड़ा तुहाडा चैप्टर्स दे पिछे दिता होया उस नूं सॉल्व करांगे। फस्ट तुहाडा चैप्टर हैगा सिलेबस दे अकॉर्डिंग सैवन चैप्टर द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, उस दे विचों जिहड़ा बुकवर्क आपां करांगे। डू एस ट्रैक दे विच दिता होया जिस दे विच इनफिनिटिव गैरेंट्स ते पार्टिसिपल्स है जिहड़े तुसी यूज़ करने ने। फस्ट इत्थे अपने कोल दिता ही इज़ स्लो डैश फोरगिव, फोरगिव है जिहड़ा आपां नूं ब्रैकेट दे विच देता, इनू भुल जो हजे तुसी लास्ट देखो कि आपां नूं कहा की आ कि यूज़ करना। फिल इन दी ब्लैंक विद एन इनफिनिटिव, हुण इनफिनिटिव यूज़ करना पहला जो अपने इन्हां दी कीती आ डेफिनेशन उस दे विच आपां ने की देखा कि इनफिनिटिव दे विच है जिहड़ा आपां टू यूज़ करना जो ब्रैकेट च वर्ड दिता उस दे नाल ब्रैकेट वाला वर्ड भी लिखना उस दे नाल जिहड़ा टू होर ऐड कर देना। सो इनफिनिटिव दे विच आपां की करांगे ही इज़ सो स्लो ही इज़ स्लो टू फॉरगिव, टू फॉरगिव जिहड़ा ब्रैकेट वाला वर्ड सी वह भी नाल लिखना टू भी यूज़ करना ही इज़ सो स्लो ही इज़ स्लो टू फॉरगिव। नैक्सट है जिहड़ा सैकेंड अपने कोल फिर जिहड़ा फिल इन दी ब्लैंक विद एन इनफिनिटिव, इनफिनिटिव यूज़ करना मीनस टू यूज़ करना। आई एम सॉरी टू हीयर दिस, हीयर जिहड़ा ब्रैकेट दे विच दिता सी उस दे नाल आपां टू लगाता, आई एम सॉरी टू हीयर दिस। लास्ट वर्ड है जिहड़ा लिखना जस्ट तुसी ब्रैकेट कट के आई एम सॉरी टू हीयर दिस पूरा सेंटेंस बना देना। थर्ड इज़ कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन इनफिनिटिव, इत्थे फिर अपने जिहड़ा इनफिनिटिव ही यूज़ करना बट इत्थे क्या अपने दो सेंटेंसिज नू कंबाइन करना, कंबाइन इनफिनिटिव लगा के करना, इनफिनिटिव दे विच की यूज़ करना टू। सो किस तरह ऐड करांगे इन्हां नूं, ही कलैक्ट्स ओल्ड स्टैंप्स ईवन एट ग्रेट एक्सपेंस, कि वो जिहड़ा स्टैंप्स कलैक्ट करदा ग्रेट एक्सपेंस की किन्ना भी खर्चा होवे उस कलैक्ट करदा स्टैंप्स नूं। इट इज़ हिज होबी, कि यह उसकी होबी आ उसनू पसंद आ कि वह स्टैंप्स कलैक्ट करदा। हुण इस इन्हां दो सेंटेंसां नूं आपां किद्दां जोड़ांगे, इट इज़ हिज होबी कि उसकी होबी आ फस्ट आपां जिहड़ा सैकेंड, इह तुसीं ध्यान रखना कि जिहड़ा फस्ट ते तुसीं सैकेंड वाला सेंटेंस लिखोगे जां पहलां वाला ही। इट इज़ हिज होबी टू नाल लगाता टू उपरों कट करके, टू कलैक्ट ओल्ड स्टैंप्स ईवन एट ग्रेट एक्सपेंस। हाँ जी जो तुसी इसनू जोड़ के लिख दोगे तो जिहड़ा तुहाडा फुल सेंटेंस है वह किस तरह बन जाएगा, इट इज़ हिज होबी टू कलैक्ट ओल्ड स्टैंप्स एट ग्रेट एक्सपेंस, कि उसकी होबी आ स्टैंप्स नू जिहड़ा कलैक्ट करना किसी भी कीमत पर। ओके इट इज़ हिज होबी टू, टू अपने इनफिनिटिव यूज़ कर लिया, कलैक्ट ओल्ड स्टैंप्स एट ग्रेट एक्सपेंस, कलैक्ट दे नाल जिहड़ा एस लग्या हुआ सी उसनू भी तुसी हटा देना इस दे विच जदों तुसी इनफिनिटिव यूज़ करोगे। सैकेंड देखदे हां कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल सेंटेंस,
इन्होंने जस्ट कहता कि इनू सिंगल सेंटेंस दे विच यूज़ करो। इत्थे तुसी किया जदों तुहानू ए किया कि इन्हां जोड़ के सिर्फ एक बना दो तां तुसी जिहड़ा इनफिनिटिव यूज़ करके बना सकते हो। अपने आप तो तुसी जिहड़ा इनफिनिटिव यूज़ करना टू लगा के। इहदे विच वी जिहड़ा आपां जिहड़ा सैकेंड नंबर ते लिखिया होया उसनू फस्ट ते लिख दांगे, उस दे नाल टू लगा के जिहड़ा सैकेंड नू ऐड करांगे। लाइक आई मस्ट स्पीक आउट फ्रेंकली टू हैव नो एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस। सो सैकेंड नू कंबाइन करके जिहड़ा तुहाडा सेंटेंस आ सिंगल सेंटेंस बनेगा। आई मस्ट स्पीक आउट फ्रेंकली टू इनफिनिटिव यूज़ किया टू, आई मस्ट स्पीक आउट फ्रेंकली टू हैव नो एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस। सैकेंड सेंटेंस में जो जो तुसी ऐड करोगे उसका जो सब्जैक्ट आ वह कट हो जाता, वह तुसी सैकेंड दे विच नहीं ऐड करना होंदा सब्जैक्ट नू। सो फुल सेंटेंस जो बनेगा आई मस्ट स्पीक आउट फ्रेंकली टू हैव नो एप्टीट्यूड फॉर बिजनेस, इस दे विच जो आई सब्जैक्ट सी वह कट करता सैकेंड सेंटेंस का। नैक्सट है अपने कोल डैश वाटर इज़ नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग, फिल इन द ब्लैंक विद द पार्टीसीपल। हुण पार्टीसीपल इत्थे यूज़ करना, इत्थे तुसी इसकी थर्ड फॉर्म बनानी सी पार्टीसीपल दी। रनिंग यूज़ किया अपने, इत्थे जिहड़ा आपां पार्टीसीपल आ प्रेजेंट पार्टीसीपल यूज़ किया, जिस करके जिहड़ा आपां ने इस दे नाल आई एन जी ही लगाया। रनिंग दे नाल जिहड़ा आपां आई एन जी ही लगाया बिकॉज प्रेजेंट पार्टीसीपल है जिहड़ा आपां उह यूज़ कर रहे हैं। नैक्सट है अपने कोल डैश बाय द विंड सीट्स आर स्कैटर्ड फार एंड वाइड, फिल इन द ब्लैंक विद द पार्टीसीपल। इत्थे भी जिहड़ा आपां पार्टीसीपल ही यूज़ करना। फस्ट दे विच आपां प्रेजेंट पार्टीसीपल यूज़ किया बिकॉज इज़ लग्या होया, इज़ लग्या होया आई एन जी लग्या होया नाल, जिस तो कि आपां नूं पता लग्या कि यह प्रेजेंट दे विच सेंटेंस आ, तां करके जिहड़ा आपां ने प्रेजेंट पार्टीसीपल यूज़ करके आई एन जी लगाता नाल। इत्थे जिहड़ा नैक्सट दे विच अपने कोल स्कैटर्ड लिखा होया, जिस तो कि आपां नूं पता लग रहा कि आपां ने पास्ट दे विच ही लिखना इस नूं। सो कैरिड, कैरी दा जिहड़ा बन जाएगा कैरिड, कैरी दा अपने कोल बन गया कैरिड पार्टीसीपल। सैवंथ है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अ पार्टीसीपल, इत्थे जिहड़ा आपां ने यूजिंग पार्टीसीपल करके कंबाइन करना। ध्यान रखना कि इनफिनिटिव दे विच कहा जां पार्टीसीपल दे विच कहा। इत्थे जिहड़ा आपां बनावांगे बीइंग डिसैटिस्फाइड ही रिजाइंड हिज पोस्ट, ही वॉज़ नूं कट के जिहड़ा बीइंग लगाया गया डिसैटिस्फाइड, कि वह सैटिस्फाइड नहीं हैगा सी जिस करके उसने अपनी पोस्ट तो रिजाइन करता, ही रिजाइंड हिज पोस्ट। इसनों जोड़ के जिहड़ा अपना सेंटेंस बन रहा बीइंग डिसैटिस्फाइड ही रिजाइंड हिज पोस्ट। नैक्सट इज कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अ पार्टीसीपल, अगेन वी कैन यूज़ द पार्टीसीपल। सो इत्थे आपां ने की करना वी मैट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, इत्थे जिहड़ा अपने कोल मैट दे विच जिहड़ी थर्ड फॉर्म लगी हुई आ मैट इस सेंटेंस दे विच फस्ट दे विच, इस करके जो इस नूं आपां उपर रख्या। डिसैटिस्फाइड दे विच वी आ जिहड़ा ई डी लग्या होया सी उस नूं आपां ने फस्ट बना के सैकेंड नूं उस दे नाल ऐड किया सी। इस दे विच जिहड़ा आपां किया वी मैट अ गर्ल थर्ड फॉर्म है नाल उसनों सीधा ही अटैच करता कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, कि असी गर्ल्स नूं मिले कुड़ी नूं मिले जिसने कि जिहड़ी फ्लावर्स की बास्केट लई हुई सी। वी मैट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स, शी वॉज जिहड़ा कट हो जाएगा वी मैट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। नैक्सट इज ही इज़ फाउंड ऑफ डैश फिल इन द ब्लैंक विद द गैरंट, गैरंट यूज़ करना। इत्थे तुसी की आ स्विम दे नाल आई एन जी लगाना गैरंट दे विच जिहड़ा आपां आई एन जी यूज़ करदे हुणे, सो बन जाएगा अपना स्विमिंग। नैक्सट आर यू अफ्रेड ऑफ हिज डैश यू, इत्थे भी जिहड़ा आपां गैरंट यूज़ करना, सो हेयर दा बन गया हेयरिंग, हेयर दा की बन गया हेयरिंग, यू आर यू अफ्रेड ऑफ हिज हेयरिंग यू। नैक्सट है चैप्टर टू जेंटलमैन ऑफ बिरोना, उसका जिहड़ा बुक वर्क है आई हैव कम डैश यू सी अपन ब्रैकेट दे विच दिता
फिलिंग दी ब्लैंक विद एन इनफिनिटिव, इनफिनिटिव ये जो यूज करना, सो आप टू लगा आई हैव कम टू सी यू। सैकेंड इज ही वॉज क्विक डैश टू डैश द पॉइंट, ही वॉज क्विक टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अंडरस्टैंड भी है जो ब्रैकेट तो विचों खोल के तुसी ब्रैकेट तो बाहर लिखना है उसनू भी नाल। ही वॉज टू क्विक अंडरस्टैंड द पॉइंट। थर्ड कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग एन इनफिनिटिव, इनफिनिटिव यूज करना मीनस टू लगाना, सेंटेंस अपना बनेगा ही हैज़ फाइव चिल्ड्रन। सैकेंड अपने को दिता ही मस्ट प्रोवाइड फॉर दैम, इस सेंटेंस ने जोड़ा बनाया अपने ही हैज़ फाइव चिल्ड्रन टू प्रोवाइड फॉर, ही हैज़ फाइव चिल्ड्रन टू प्रोवाइड फॉर। फस्ट सेंटेंस न उथी रख लिया ही हैज़ फाइव चिल्ड्रन, टू लगाता नाल। नैक्सट अपन लिखता प्रोवाइड फॉर। ये हो गया अपना ही हैज़ फाइव चिल्ड्रन टू प्रोवाइड फॉर। नैक्सट है अपने को फोर्थ, ही वॉन्ट्स टू अर्न हिज लाइव लाइवलीहुड, ही वर्कस हार्ड फॉर दि फॉर हिज रीज़न। कि वह स अपने लाइवलीहुड जड़े अर्न करना चाहता, कमाना चाहता, इसलिए जोड़ा वो सख्त मेहनत कर रहा। ही वर्कस हार्ड फॉर दिस फॉर हिज रीज़न, इस कारण करके वो जो सख्त मेहनत कर रहा। इसनों जो आप कंबाइन करना सिंगल सेंटेंस के मीनस टू लगाना अपने, इसनों किमें करोगे तुम? अब पहला कहना कि वह सख्त मेहनत कर रहा है ता जो अपने जोड़ा रैन का जोड़ा गुजारे के लिए वो पैसे कमा सके। ही वर्कस हार्ड, कि वह सख्त मेहनत कर रहा है। ही वर्कस हार्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड, ही वर्कस हार्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड। ये अपना फुल सेंटेंस हो गया ही वर्कस हार्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड। इन मोस्टली सेंटेंस के की करना तुहानू किदां पता लगेगा कि फस्ट सेंटेंस है जिहड़ा तुसी किहड़ा लिखोगे फस्ट ते, सैकेंड टू लगा के जिहड़ा सैकेंड नंबर ते तुसी किहड़ा सेंटेंस करना, उसकी पहचान दे लई तुसी की करोगे कि जिस सेंटेंस दे विच टू आ रहा, जिस सेंटेंस दे विच टू आ रहा उसनू तुसी सैकेंड नंबर ते रखना। लाइक इस सेंटेंस दे विच सी ही वर्कस हार्ड फॉर हिज रीजन, बट फस्ट दे विच की सी ही वॉन्ट्स टू टू अर्न हिज लाइवलीहुड, टू अपने कोल यूज़ किया होया, इसनू मीनस आपां सैकेंड नंबर ते रखना। ही वर्कस हार्ड पिछे वाला कट करता, कईयां दे विच कट हुंदा बट कईयां दे विच नाल ही जुड़ जाता, वो तुसी सेंटेंस दे अकॉर्डिंग दे देखना। ही वर्कस हार्ड टू, जिथों टू लिखा होया दूजे सेंटेंस दे विच उत्थों ही जिहड़ा तुसी सेंटेंस स्टार्ट करना अगे वाला कट कर देना। ही वर्कस हार्ड टू अर्न हिज लाइवलीहुड। नैक्सट है आई सो हिम डैश द हाउस, एंटर अपने कोल दिता, फिलिंग द ब्लैंक विद द पार्टीसीपल। इत्थे जिहड़ा आपां प्रेजेंट उहदे अकॉर्डिंग लिखा रहे हैं प्रेजेंट पार्टीसीपल दे, सो आपां जिहड़ा एंटर नूं लिख रहे हैं एंटरिंग आई एन जी यूज़ करके। सिक्स्थ इज ही प्लेड अ डैश अ लॉस गेम, फिलिंग द ब्लैंक विद द पार्टीसीपल। इत्थे भी जिहड़ा कि आपां आई एन जी लगाता लॉसिंग। सैवंथ इज कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अ पार्टीसीपल, पार्टीसीपल यूज करके जिहड़ा तुसी कंबाइन करना टू सेंटेंसिज नू किदां करोगे। ही स्टैगर्ड बैक, ही सैंक टू द ग्राउंड। जदों तुसी पार्टीसीपल वाले की पहचान करनी है कि पहले नंबर पर किहड़ा सेंटेंस लिखिए, दूजे नंबर पर किहड़ा लिखिए, उस दे विच तुसी चैक करनी है थर्ड फॉर्म। जिस सेंटेंस दे विच जिहड़ी थर्ड फॉर्म आ रही है उसनू तुसी पहले नंबर पर लिखना, जिहड़ा सैकेंड सेंटेंस दिता होगा उसनू बाद दे विच लिखना। जिदा कि इतने से स्टैगर्ड ई डी लग्या होया, अपन पता लग गया कि यह जिहड़ा फस्ट ते लिखना। ही स्टैगर्ड बैक सिंकिंग टू द ग्राउंड, आई एन जी यूज करता सैंक सैंक लिखता सिंकिंग। ही स्टैगर्ड बैक सिंकिंग टू द ग्राउंड। एट्थ शी इज़ वेरी कीन डैश मॉडलिंग टेकअप, इनफिनिटिव यूज करना मीनस टू लगा देना, टू टेकअप, टू टेकअप मॉडलिंग। नाइन्थ इज वट शी हेट्स द मोस्ट इज डैश स्मोक, हूँ स्मोक है इतने जोड़ा अपना गैरेंट यूज करना मीनस आई एन जी लगाना, स्मोक है स्मोक के पिछों जोड़ा ई कट हो जाएगा, आई एन जी तुम यूज कर लेना स्मोकिंग। वट शी हेट्स द मोस्ट इज स्मोकिंग। नैक्सट इज ही ऑबजैक्टड टू डैश मनी ऑन कोसमैटिक्स स्पेंडर, स्पेंडिंग हो जाएगा गैरंटी जरा यूज़ करना बिकॉज आई एन जी लगाना, सो
सो स्पेंड दा हो गया अपने को स्पेंडिंग। इट्स स्पेंडिंग। नैक्सट है चैप्टर अपना 10th गदरी बाबा जी इन काला पानी जेल। इन दे विच जिहड़े 4 चैप्टर तुहाडे सिलेबस दे विच हैगे ने बट 3 चैप्टर्स दे विच जिहड़े इनफिनिटिव वाले हैगे आ तुहाडे कोल एक्सरसाइजिज उहनां दे विचों उहनां दी जिहड़ा बुक वर्क आपां सॉल्व कीता ए वाला चैप्टर है अपना गदरी बाबा जी इन काला पानी जेल। इट इज़ पैनल ऑफेंस डैश ब्राइव अ पब्लिक सर्वेंट टू ब्राइव इनफिनिटिव यूज़ करना इस लिए आप टू यूज़ किया टू ब्राइव। नैक्सट इज द बॉयज़ आर एनेक्सियस डैश लर्न फिर इन द ब्लैंक विद एन इनफिनिटिव मीनस टू यूज़ करना टू लर्न ब्रैकेट वाले नू जरूर नाल लिखना द बॉयज़ आर एनेक्सियस टू लर्न टू एड करके ब्रैकेट वाला भी नाल लिखना। थर्ड इज़ कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग इनफिनिटिव मीनस टू यूज़ करना द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग हुण इन्हां दो सेंटेंसां दे विचों अपने कोल टू कहे चा सैकेंड च मीनस ये सैकेंड नंबर पर ही लिखा जाएगा। द स्ट्राइकर्स हैल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ द इंप्लॉयर्स कि जिहड़े हड़ताल जिन्होंने की हुई सी स्ट्राइकर्स हैल्ड अ मीटिंग उन्होंने एक मीटिंग जिहड़ी ऑर्गेनाइज़ की हैल्ड की टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ द इंप्लॉयर्स इंप्लॉयर्स दी जिहड़ियां टर्म्स ने उन्होंने डिस्कस करने के लिए। द स्ट्राइकर्स हैल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ द इंप्लॉयर्स ये फस्ट नंबर पर हो गया ये अपना हो गया सैकेंड नंबर पर इसका सब्जैक्ट है जिहड़ा कट हो जाएगा टू तो जिहड़ा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा वो पूरे का पूरा लिखा जाएगा सैकेंड नंबर पर। नैक्सट इज द रॉबर टुक आउट अ नाइफ ही वॉन्टड टू फ्राइटन द ओल्ड मैन इस दे विच जिहड़ा टू वाला अपना सेंटेंस सैकेंड आ सो यही जिहड़ा अपना सैकेंड नंबर पर लिखा जाएगा। सो किस तरह बन जाएगा सेंटेंस द रॉबर टुक आउट अ नाइफ टू फ्राइटन द ओल्ड मैन फुल सेंटेंस है जिहड़ा तुहाडा लिखा जाएगा द रॉबर टुक आउट अ नाइफ टू फ्राइटन द ओल्ड मैन। नैक्सट इज डैश द फैक्ट्स ही रिसीव्ड स्कैंट जस्टिस फिल इन द ब्लैंक विद द पार्टिसिपल जिहड़ा तुसी यूज़ कर रहे हो प्रेजेंट पार्टिसिपल दे विच जिहड़ा तुसी आई एन जी ही यूज़ करना कंसीडरिंग हो गया है अपने कोल बिकॉज फैक्ट दे नाल जिहड़ा फैक्ट्स ही रिसीव्ड स्कैंट जस्टिस इत्थों जिहड़ा अपन पता लग गया कि जिहड़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सो कंसीडरिंग अपना होएगा आंसर। फिफ्थ इज कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग अ पार्टिसिपल पार्टिसिपल यूज़ करके इतने भी जिहड़ा अपना बनाना हुण इत्थे अपन नूं पता लग रहा ई डी केड़े वाले सेंटेंस लग्या होया फस्ट च सो अपन ने फस्ट ते केड़ा रखना ई डी वाला थर्ड फॉर्म वाला ये हो गया अपना फस्ट नंबर ते ही वॉकड अवे वेस्टलिंग ही वॉज सबजैक्ट है जिहड़ा सैकेंड जिहड़ा सेंटेंस तुसी ऐड करना उसका जिहड़ा सबजैक्ट आ हमेशा कट हो जाएगा सो इस दे नाल ही जिहड़ा ये ऐड हो जाएगा। हाँ जी ये सेंटेंस है जिहड़ा अपना बन गया ही वॉकड अवे विसलिंग। नैक्सट इज माई हेयर नीड्स डैश कट अपन वर्ड दिता हुआ ब्रैकेट के फिल इन द ब्लैंक विद द कैरन कैरन यूज़ करना मीनस आई एन जी यूज़ करना सो ये हो गया कटिंग माई हेयर नीड कटिंग। नैक्सट इज आई सो हिम डैश द रोड क्रॉस अपन दिता क्रॉस के नाल आपां जिहड़ा आई एन जी लगाना सो ये अपना बन जाएगा क्रॉसिंग सैवन का आंसर जिहड़ा फिल इन द ब्लैंक विद कैरन ही आ सो आई एन जी आपां यूज़ करांगे इसलिए अपना वर्ड है जिहड़ा बन जाएगा आई सो हिम क्रॉसिंग द रोड। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स मैं तुहाडे नाल शेयर किया नॉन इनफिनिटिव जिस दे विच कि इनफिनिटिव कैरन ते पार्टीसीपल्स दीआं जिहड़ीआं एग्जाम्पल्स ने मैं तुहानूं दस्सियां ने ते जिहड़ा बुक वर्क आ उह करवाया आई होप तुहानूं सारिआं नूं समझ आ गया होवेगा ते जिहड़ा तुहाडे एग्जाम दी प्रैपरेशन दे विच इह हैल्पफुल होएगी वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो एंड सबसक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।